नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा उस अभिनेत्री का है जिनकी तुलना हेलेन से होती थी और रिश्ता संजय दत्त से है। संजय दत्त से क्या रिश्ता है ये बताएंगे आपको, लेकिन आपको अमर अकबर एंथनी फिल्म याद होगी। हम बात मधुमती की कर रहे हैं। मधुमती 60 और 70 के दशक में कैबरे डांसर हुआ करती थी और आखिरी बार अमर अकबर एंथनी फिल्म में नजर आई थी और उसके बाद फिल्मों में लगभग काम करना उन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपना डांस स्कूल खोला और मधुमती के डांस स्कूल में कई नामी बॉलीवुड एक्टर्स ने उनसे डांस सीखा, जिसमें अक्षय कुमार, गोविंदा, तब्बू और अमृता सिंह का नाम शामिल है। डांस के साथ साथ उन्होंने अपना एक्टिंग स्कूल भी शुरू किया। मधुमती आज 83 साल की हैं। उनको बचपन से ही डांस का शौक था और इसी वजह से उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की और इसके साथ ही साथ वो डांस भी सीखती रहीं। वो भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, कथकली के अलावा फिल्मी डांस भी करती हैं। स्कूल में पढ़ते हुए मधुमती ने स्टेज पर भी डांस करना शुरू कर दिया था और इसके बाद उन्हें फिल्मों में ऑफर मिलने लगे। मधुमती फिल्मों में करियर नहीं बनाना चाहती थी। उनके पिता ने उन्हें फिल्मों में ये कहकर काम करने की इजाज़त दी थी कि वो केवल डांस से जुड़े हुए ऑफर ही स्वीकार करेंगी। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। सुनील दत्त और उनकी पत्नी नरगिस मधुमती के काफी करीबी थे और उन्हें पसंद करते थे। इसकी वजह थी कि मधुमती सुनील दत्त को राखी बांधती थी और इस नाते मधुमती रिश्ते में संजय दत्त की बुआ लगती थी। मधुमती ने 4 बच्चों के पिता मनोहर दीपक से शादी की। मधुमती की मां दीपक को पसंद तो करती थी लेकिन उनसे अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन फिर भी मधुमती ने दीपक मनोहर से 19 साल की उम्र में शादी कर ली। मधुमती की तुलना फिल्मों में कैबरे डांसर हेलेन से होती थी। एक इंटरव्यू में मधुमती ने कहा था, हम दोनों दोस्त थे लेकिन हेलेन जी सीनियर थी। हम दोनों के लुक्स काफी मिलते जुलते थे। कुछ लोग हमेशा हमारी तुलना भी करते थे। मैंने हेलेन जी के साथ कुछ गानों में काम भी किया है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।